मॉर्निंग क्लास, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेटी हेलमेंथिस का लास्ट टॉपिक, टीनिया सोलियम, मतलब टेप वॉर्म्स की स्टडी। और उसमें भी एक टाइप है टीनिया सोलियम, जिसे हम पोक टेप वॉर्म भी कहते हैं। तो सारे टेप वॉर्म में ना एक चीज़ काफ़ी सिमिलर होती है, स्ट्रक्चर। तो पहले वो डिस्कस करते हैं। टेप वॉर्म के तीन बड़े पार्ट्स होते हैं, स्कोलेक्स, नेक और स्ट्रोबिलाय। ठीक है, स्टोलेक्स वो आपको एक तो इस डायग्राम में स्कोलेक्स वो वाला हिस्सा है जिसमें रोस्टलम है, जिसमें हुक्स हैं, जिसमें सकर्स हैं। उसके नीचे मैंने ग्रीन लाइन से एक्सटेंड किया हुआ है नेक पोर्शन, और स्ट्रोबिलाय होता है लॉन्गेस्ट पार्ट, देख रहे हो। और इन स्ट्रोबिलाय में होते हैं ऑन्कोस्फेयर्स। ऑन्कोस्फेयर्स मतलब इसी के अंदर हेक्साकैंथ होते हैं। हेक्साकैंथ मतलब यही इसकी आगे की फर्दर जनरेशंस। तो फिर से सुनो, स्ट्रोबिलाय होता है सबसे लंबा हिस्सा। इसमें होते हैं, एक स्ट्रोबिलाय में होता है यूट्रस, यूट्रस वो भी ब्रांच्ड, और एक यूट्रस में होता है 35,000 से 40,000 ऑन्कोस्फेयर्स। और उन ऑन्कोस्फेयर्स में होता है हेक्साकैंथ। मतलब एक तरह से स्ट्रोबिलाय का गिरना मतलब ऑन्कोस्फेयर्स का गिरना, मतलब उसकी फर्दर जनरेशन, ट्रांसमिशन, कि उसका काउंट कैसे बढ़ेगा, इसका इंतज़ाम स्ट्रोबिलाय करता है। और स्ट्रोबिलाय की देखो डेवलपमेंट पे भी उसकी डिफ्रेंसिएशन डिपेंड करती है। जैसे कि जो उसका स्ट्रोबिलाय का आगे का हिस्सा है उसे हम इमेच्योर कहते हैं, बीच के हिस्से को मैच्योर, और लास्ट के हिस्से को राइप या ग्रेविड कहते हैं। देखो बात ये है ना, इमेच्योर मतलब उसमें यूट्रस अच्छे से डेवलप नहीं है, और राइप में बहुत अच्छे से डेवलप्ड है कि अब उसके जो ऑन्कोस्फेयर्स वगैरह सब है, सब सब कुछ अच्छे से डेवलप हो चुका है। तो आपको क्या लगता है ये जो शेडिंग होती है ये कहाँ से होती होगी? पीछे से। सो स्ट्रोबिलाय के कौन से हिस्से की शेडिंग होती है? लास्ट हिस्से की। और इस शेडिंग के प्रोसेस को भी एक टर्म के लिए भी एक टर्म है, एपोलाइसिस। और आप जो ये वाला टेप वॉर्म देख रहे हो ये तो पोक टेप वॉर्म है, छोटा है, 1 से 5 मीटर लंबा है, बस इतना ही है ये। सोचो तुम्हारी बॉडी में 1 से 5 मीटर लंबा अगर ऑर्गेनिज्म हो तो बॉडी का क्या हाल हो। तो बस, तो इसके बारे में और जानते हैं। अब आते हैं हम रोस्टेलम पे, हुक्स पे। ये हुक्स किससे बनते हैं? काइटिन के होते हैं ये, और ये 2 रोज में होते हैं। टोटल काउंट इसका 23 से 32 के बीच में होता है। और सकर्स, इन तीनों का फंक्शन होता है कि जब ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो तो हमारी वॉल को पकड़ के रखे, तो अटैचमेंट के लिए। और ये होता है एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। बताओ इसका मतलब क्या होगा? डाइजेनेटिक पैरासाइट वो होता है जिसके 2 होस्ट होते हैं, और एंडो पैरासाइट मतलब ये होस्ट के अंदर रहता है। अच्छा, तो एक्टो पैरासाइट क्या होता? होस्ट के ऊपर रहने वाला। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है मैन, और सेकेंडरी होस्ट होता है इसका पिग, तभी तो इसको पोर्क टेपवॉर्म भी कहते हैं। देखो एक्चुअली मैंने, अब तुम डराइव करो कि कैसे मैन से ये पोर्क तक पहुंचता होगा। तो टेपवर्म कहाँ है? मैन की इंटेस्टाइन में। उसके पास एक स्ट्रोबिलाय है, एक स्ट्रक्चर। उसके लास्ट के स्ट्रोबिलस झड़ते हैं एपोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू, और वो इंटेस्टाइन से वो झड़ के कहाँ जाता है? फीकल मैटर के थ्रू बाहर। पिग्स क्या खाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम? साफ सुथरी चीज़ें तो नहीं खाते ना। तो वो जब पिग्स फीड करते हैं जिसमें वो ऑन्कोस्फेयर्स होते हैं, तो उनकी बॉडी में वो चला जाता है ऑन्कोस्फेयर। नेक्स्ट, अब ऑन्कोस्फेयर्स पहुंच गए पिग के गट में। अब होता क्या है कि जो ऑन्कोस्फेयर्स की मेम्ब्रेन्स हैं वो डिजॉल्व होती हैं, और अगर मेम्ब्रेन डिजॉल्व होगी तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? हेक्साकैंथ। फिर क्या होगा? अब जो हेक्साकैंथ है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कैसे एक्टिवेट हो जाते हैं? वो पिग के इंटेस्टाइन में है अभी, और बाइल सॉल्ट, बाइल उससे गुजरा तो उसने ना हेक्साकैंथ को एक्टिव कर दिया। हेक्साकैंथ एक्टिव होने के बाद पोर्स बनाना शुरू करते हैं, और पोर्स बनाते बनाते बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स में पहुंचते हैं, जैसे वॉलेंट्री मसल्स। अब ये पहुंचने के बाद क्या करते हैं? ये अपने आप को पहले तो कुछ दिन खाते हैं अच्छे से, मतलब मसल में पहुंचे हैं तो फायदा उठाते हैं। उसके बाद ये खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं सिस्टी सरकाए में, और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये जो सिस्टी सरकाए हैं वो उस फ्लैश पे एज अ स्पॉट अपीयर होते हैं। तो
तो ये भी नहीं कह सकते कि पिग के ऊपर हम पहचान ही नहीं पाए, अंडर कुक्ड पिग होगा तो उसके फ्लैश पे स्पॉट्स पाए जाएंगे। सिस्टिसरकाइकम ब्लैडर वॉर्म भी कहते हैं, और आपको वो स्पॉट्स का मैंने समझा ही दिया है, इसलिए हम उसे अंडर कुक्ड मेजली पोक कहते हैं या फिर स्पॉटेड पोक कहते हैं। तो देख रहे हो ना, वर्ड से सब कुछ कितना इजी हो जाता है समझना, कुछ वर्ड्स ही काफ़ी होते हैं पूरी कहानी को समझने के लिए। सो नेक्स्ट आए हम, और लोग खा जाते हैं वो मीजली पोक्ड पोक मीट, और उससे क्या होता है, जो सिस्टी सरका है उनकी बॉडी में चला जाता है, कुछ टाइम बाद टेप वॉर्म में बदल जाता है। टेप वॉर्म उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका भी क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, टीनियासिस। अब एक इंटरेस्टिंग बात का जवाब दो, अभी तो सब हो रहा है कि जब पिग्स ने ऑंकोस्फेयर खाया, ह्यूमंस ने सर और सिस्टी सरकाए खा रहे हैं ह्यूमंस, और फिर ह्यूमंस को जा रहा है टीनियासिस। अब थोड़ा अलग सोचो, ये तो हम कह रहे हैं सिस्टमैटिक वे में डिजीज हुई। अब मानो अगर ऑंकोस्फेयर्स को ह्यूमंस ने खा लिया तब क्या होगा, सोचो, पोज करके सोचो, मतलब इससे ना आपकी थिंकिंग स्किल्स बढ़ेंगी। तो देखो, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन ऑंकोस्फेयर को इंजेस्ट कर लेता है, तो ह्यूमंस में भी बाइल सॉल्ट होते हैं, तो ऑंकोस्फेयर पे पहले डिजॉल्व होता है ऑंकोस्फेयर, उसमें से हेक्सागन निकलते हैं, हेक्सागन बाइल सॉल्ट एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होकर वो भी बॉडी पार्ट्स के इधर बॉडी पार्ट्स में घूमने लगते हैं, जैसे आइज, ब्रेन, हार्ट, और वहाँ पे वो सिस्टी सरकाए में कन्वर्ट होते हैं। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है टीनियासिस से। तो देखो, टीनियासिस में तो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होती है, बट यहाँ तो वो कहीं भी जा रहा है, आइज में जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। मतलब इस टीनियासिस में सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम होगी, सिस्टी सरकोसिस में डेथ हो सकती है। कैसे निकालोगे हार्ट या ब्रेन में से सिस्टी सरकाए? ब्रेन ह्यूमन को खाने वाला तो कोई नहीं है, और वो भी कोई सल्यूशन तो है नहीं प्रॉब्लम का। अब हम आए टीनिया सैजिनेटा पे। देखो, इसकी भी इन्फेक्ट करने का जो वे है ना, वो टीनिया पोकवॉर्म जैसे, पोक टेपवॉर्म से बिल्कुल सिमिलर है। बस कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो काउज या बफेलोज हैं, और ये ज़्यादा कॉमन टेपवॉर्म है जो कि मैन को अफेक्ट कर रहा है। अब हम इसकी बॉडी पे आते हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज ये शेयर करता है। तो जहाँ पहले वहाँ पे इन्फेक्टेड पोक खा के इन्फेक्शन हो रहा था, यहाँ पे इन्फेक्टेड बीफ खा के इन्फेक्शन होता है। तो सिस्टी सरकाए बीफ से ट्रांसफ़र होते हैं। अब इसका जो यूट्रस होता है वो ज़्यादा ब्रांच होता है, और पुराने टेपों में कितने ऑंकोस्फेयर्स होते हैं, 35 से 40 हज़ार, और इसमें देखो 1 लाख। तो मुझे ये भी एक बहुत स्ट्रांग रीज़न लग रहा है इसके मोस्ट कॉमन टेपवॉर्म होने का, जो कि मैन को अफेक्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब ये है कि ये जो इसकी लेंथ बॉडी वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कि ये 12 मीटर का है, पिछला वाला कितना था, 1 से 5 मीटर, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। इसके तीनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, कौन से वो तीन पार्ट्स होते हैं, स्कॉलेक्स आगे, नेक और स्ट्रबल है, और इसके पास रोस्टलम हुक्स एबसेंट होते हैं, इसके पास 4 सेकेंड्स सकर्स प्रेजेंट होते हैं, और 2,000 प्रोग्लॉटिड होते हैं इसके पास। अब ये जो लास्ट टेपवर्म हम पढ़ने वाले हैं, ये इकाइनोकॉकस, और इसको हम डॉग टेपवर्म भी कहते हैं। इसकी सबसे स्पेशल बात ये है कि ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट टेपवर्म है, 3 से 6 मिलीमीटर, और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है इतना छोटा पर इसको सब कुछ चाहिए। इसके पास रोस्टलम होता है, इसके पास सकर होता है, इसके पास हुक्स प्रेजेंट होते हैं। टेपवर्म के जो बेसिक तीन हिस्से होते हैं, स्कोलेक्स, नेक और स्ट्रबलाय, वो भी इसके पास होते हैं। छोटा है पर अमीर है। अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो बहुत सीरियसली करना, और जहाँ पे होता है ना प्रैक्टिस करने, चलो पूरा खुला हाथ खेलते हैं, वैसा मत करना। आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आता या आप डाउटेड है, उसे छोड़ के देखना कि कितना स्कोर आता है, क्योंकि नेगेटिव का इम्पैक्ट ना आप सबने देखा होगा कि आपको कितना पीछे खींच देता है, और यहाँ एक एक नंबर पे हज़ारों की रैंक बदलती है। मैं ये नहीं कह रही कि 180 में से आप सिर्फ 10 क्वेश्चन करके आओ, क्योंकि उस पर आपको कॉन्फिडेंट है, बट आप 150 160 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 160 या 150 पूरे सही हो।
पूरे सही हो जाए और मान लो नेगेटिव ना हो या फिर एक दो हो, तो कितना स्ट्रॉन्ग स्कोर पड़ेगा? मतलब मुझे लगता है कि टॉप कॉलेजेस तो हाथ में। सो आप एक बार इसे ट्राई करना कि प्रैक्टिस के दौरान नेगेटिव्स अवॉइड करना, खुला हाथ मत खेलना कि अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग।